लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जुनेद अफगानी, मुजाहिद वफाए अल अफगान, वो हमारे कब्जे में है। ठहरो, अगर नेहा को कुछ हुआ ना तुम्हारा इतना गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। अपनी मोहब्बत के लिए बहुत जनून है तुम्हारे अंदर है, मगर ऐसे मौकों पर बेकाबू होना अच्छा नहीं है। ठंडे दिमाग से हमारी बात को सुनो। फिलहाल हमारा इरादा नेहा की जान लेने का नहीं है, हम उसे सही सलामत लौटा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना है। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। यर्मी तहत हमारे असूलों में अपने मकसद के लिए किसी का भी कत्ल करना जायज है। मेरे अगले इशारे पर नेहा भी नीचे गिर सकती है। यह है अनीता चौधरी। इन दिनों यह न्यूजीलैंड में तुम्हारे वालिद की सिक्योरिटी में है। इसे तुम्हें वहां से निकालकर हम तक पहुंचाना है। बस हम नेहा पंडित को छोड़ देंगे और जितनी जल्दी तुम ये काम को अंजाम दे पाओगे उतना ही नेहा पंडित के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे साथ जिंदगी का एक दिन जीना हजारों सालों की तकलीफों के बराबर होता है। यह रहा नीता चौधरी और तुम्हारा नया पासपोर्ट नए नाम से। मैं जानता हूं अगली मुलाकात तुम बहुत जल्द चाहोगे। खुदा हाफिज। Excuse me for this. आपका सारा सामान। I'm so sorry. That's okay. Let me help you. That's fine. I'll help myself. नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये लीजिए। Thank you. ये लीजिए। इंडिया से आए? जी हाँ। Okay. Have a nice vacation. Thank you. Bye bye. Bye bye.
Yeah, hello. भागने की कोशिश कर रही थी, बाहर निकलो, बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर निकलो, इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर मुझे माफ कर दो साहब, ये सब मेम साहब के कहने पे किया है मैंने। जानते हो तुम क्या कर रहे हो इडियट? सर मैं इडियट नहीं हूँ, मजबूर हूँ, मैं दो पार्टों में पिस रहा हूँ, आपकी सुनता तो वो मारती है, उसकी सुनता तो आप मारते हो, मुझे माफ कर दो साहब। अरे पाओ बाद में पकड़ना उल्लू के पट्टे, पहले बताओ नीता कहाँ है। Excuse me. अजय, तुम कब आए? ये तेरो बस थोड़ी देर पहले बाबूजी। अजय, तुमने किसी लड़की को देखा है यहाँ? जी। बाबूजी ये भाग रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे काबू। शट अप! तुम आते कौन हो मुझे छूने वाले? तुमने मुझे पागल कहा? मैं सच बड़ी हूँ। तुमने मुझे कहा तुम मेरे टारगेट होगे? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम अंदर जाओ, चलो। मैं तुम्हें देख लूंगी। फूक! तुमने इतना कुछ कह दिया अनीता से? नहीं बाबूजी, मैंने उसे इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोग इसको संभालते कैसे हैं? ये बिल्कुल पागल है। खैर जाने दो, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का अचानक प्रोग्राम कैसे बना? बाबूजी आपके जाने के बाद मैंने आपकी बातों पर गौर किया, सोचा कि मुझे सब कुछ भूलकर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। गुड, देर आए दुरुस्त आए। कॉल साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर, अनीता ने आज फिर भागने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मेरे बेटे अजय ने उसे ऐन वक्त पे रोक लिया। अमरजीत सिंह। हाँ जी। ये है मेरा बेटा अजय। ओह, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना। हाँ। और अजय ये है कैप्टन अमरजीत सिंह, हमारे कमांडोज के चीफ। बाबूजी मैंने एयरपोर्ट पे मिल चुका हूँ। ओह अब तुम्हें इन्हीं के अंडर काम करना है। कैप्टन जी, इसे इसकी ड्यूटीज वगैरह समझा दो। ड्यूटीज तो मैंने समझा दूंगा सर, लेकिन ये लंबा सफर तय करके आए, इन्हें थोड़ा आराम तो करने दीजिए। मिस्टर अजय आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं भी सोच लेता हूँ कि अपनी टीम में आपको कहाँ कौन सा काम देना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सी यू। आओ बेटा। बाबूराम, बाबूराम आया। मैडम आया, अभी आया। ये नए साहब तो बहुत कड़क है, सच्ची बोलता हूँ, ये कॉल साहब से दो चार हाथ आ गई है, और आप पे नजर रखने के लिए इसे भी ड्यूटी पे रखा जा रहा है। और मैडम
ये नए साहब के आगे आपके एक नहीं चलने वाली। सैड। तुम नौकरी किसके लिए करते हो? उसके लिए या मेरे लिए? आपके लिए मैडम, आपके लिए। फिर उसकी तारीफ करना बंद करो। क्या समझता है वो अपने आपको? आसमान से उतरा है क्या? अरे वो मेरे साथ क्या सख्ती करेगा? मैं उसे यहाँ टिकने दूँ तब ना उसने मुझसे अनीता चौधरी से उलझने की हिम्मत की है। वो सोच भी नहीं सकता है उसके साथ आगे आगे होना क्या है। फू। Hello. Nice dress. Hi, good morning. Good morning, good morning. ये कोई लेटेस्ट डिजाइन की शर्ट है। वैसे डिजाइन बुरा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ मत पहनना, लोग हंसेंगे तुम पर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में चोरी छिपे घुसकर मेरे कपड़े काटकर तुमने कोई तीर नहीं मार दिया? लड़कियों की फितरत बिल्ली जैसी होती है, वो भी चोरी छिपे दूध में मुंह मार देती है। अच्छा, और तुम लड़कों की फितरत बिल्कुल उल्लू जैसी होती है। अंधेरे में जितना देख पाते हो समझते हो दुनिया उतनी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे क्या होगा वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा ये गरूर का नशा टूट जाएगा और तुम अपना सर मेरे कंधे पर रखकर रो दोगी। अजय मुझे माफ कर दो, वैसे भी मैं उल्लू, मेरा मतलब बड़े दिल का हूँ ना, माफ कर दूंगा। चलो देखते हैं कौन हारता है और कौन झुकता है। हारना भी तुम्हें है और झुकना भी तुम्हें है। सबसे पहले मैदान तुम छोड़ोगे। चैलेंज? चैलेंज। मगर इस खेल से बड़ों को जरा दूर रखना। इस खेल का पता तो हवाओं को भी नहीं चलेगा और तुम हवा हो जाओगे। अरे बाबूराम। जी साहब। अजय और अनीता को जल्दी नाश्ते के लिए बुलाओ, मुझे बैंक के लिए निकलना है। जी। क्या कर दिया अनीता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। ये स्केटबोर्ड मैंने वहां रखा था, फिर मेरे पैर के नीचे कैसे आ गया? मगर ये मुसीबत का सामान यहाँ हॉल में रखा ही क्यों? कभी भी किसी के हाथ पांव टूट सकते हैं। अरे भगवान ने चलने दौड़ने के लिए तुम्हें पांव दिए हैं तो उसके नीचे पहिए लगाने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन कुछ टूटा फूटा तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन मेरा हुलिया तो बिगाड़ दिया ना, अब कपड़े बदलने पड़ेंगे मुझे। बैंक जाने के लिए पहले ही लेट हो गया हूँ। बाबूजी, बैंक मैं चला जाता हूँ। हाँ वही ठीक रहेगा, वहां से कुछ पैसे निकलवाने हैं अर्जेंटली। ए क्या किसको दो? बेवकूफ लड़की। तुम्हारा खुश होना बिल्कुल सही है अजय, क्योंकि बुझने से पहले चिराग की रोशनी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑल द बेस्ट। Can I speak to the manager, please? Yes, manager speaking. Mr. Brett, this is Anita Chaudhary. Yes. Oh, well, I'm holding an account in your bank. And my account number is 84205. A check of $5,000 has been lost and, you know, somebody could encash it. May I know the check number? Sorry, we cannot make the payment. But why? Yes, gentlemen, I think I have a better answer. Come with me. Hello, Miss Anita. Someone is coming to cash a lost check. He said his name is Ajay Kaul, and he claims you gave him the check. Oh no, Mr. Brett. I don't know anybody by this name. She says she doesn't know anybody by that name. Let me speak with her. Hello, Anita. Hey, speak English. Okay. Anita, this whole thing is getting very messy. So kindly clear the whole thing out, okay? क्या हुआ बाबा? प्रॉब्लम में फंस गए? मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? हाँ, मुझसे हार मानकर माफी मांगो। ये तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, सर ऑफिस। नाउ व्हाट? कॉल द पुलिस।